देश में 2000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 500 नए संक्रमित केस आए सामने। 62 पर पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, अब तक 163 लोग हुए ठीक। तबलीगी जमात से निकलकर पूरे देश में पहुंचा कोरोना का संक्रमण, 2 दिनों में 14 राज्यों से में करीब 650 नए केस। सिर्फ 24 घंटे में मिले कोरोना के 332 संक्रमण, जमाती तमिलनाडु में सिर्फ 24 घंटे में 100 जमाती कोरोना संक्रमण। 24 घंटे के भीतर तेलंगाना में 75, दिल्ली में 77 और आंध्र प्रदेश में 12, उत्तर प्रदेश में 47 जमाती कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आरएमएल अस्पताल का किया दौरा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश को दिया भरोसा, कहा यूरोप जैसे नहीं है हालात, जारी है काबू में करने की कोशिशें। की संख्या दुनिया में कितनी तेजी से मरीज बढ़े हैं, उनकी संख्या लाखों के अंदर है और अभी भारत में पहला केस वो जनवरी के अंत में आया था। दिल्ली में 384 पर पहुंचा कोरोना का मामला, पिछले 24 घंटे में सामने आए 93 नए मामले, 77 लोगों में मरकज कनेक्शन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, लेकिन कहा पूरी तरह तैयार है सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 490, पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, अब तक कुल 50 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। तमिलनाडु में वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 400 के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 मामले। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 के पार। पुलिस के डर से फरार मौलाना साद ने जारी किया प्रेस नोट, प्रेस नोट में लिखा सरकार का सहयोग करे जमाती। अब तक मौलाना साद का नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी। दिल्ली के प्रतापपुर में पुलिस ने 9 इंडोनेशियाई नागरिकों समेत 11 को पकड़ा, निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शब्द। सहारनपुर के 12 जमातियों में कोरोना का संक्रमण की पुष्टि, दिल्ली से गए थे लखनऊ। उत्तराखंड के काशीपुर में क्वारंटाइन सेंटर से खिड़की तोड़कर भागे 2 जमाती, शहर में नाकेबंदी। यूपी के अस्पतालों में नर्सों से जमातियों की बेहूदगी पर योगी सरकार सख्त, एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश। झज्जर के बाडसा एम्स के कर्मचारियों की सुरक्षा की उठी मांग, बाडसा एम्स में लगाए गए हैं तबलीगी जमात के 120 लोग। दीनदयाल अस्पताल के 2 वार्ड बॉय भी कोरोना पॉजिटिव, डीडीयू में ही मरकज जमात के 35 लोगों का चल रहा इलाज। भरतपुर में तबलीगी जमात से लौटे 2 लोग कोरोना संक्रमित, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3। दिल्ली से देहरादून आए तालिबानी तबलीगी जमात के लोगों की तलाश में, देहरादून पुलिस 30 पर मुकदमा दर्ज। बस्ती में मौलाना पर एफआईआर दर्ज, कानपुर से आए तबलीगी जमात के लोगों को पहले छिपाने और फिर भगाने का आरोप। फरुखाबाद में नमाज के लिए इकट्ठा लोगों ने पुलिस और पत्रकारों से की बदसलूकी, एक शख्स गिरफ्तार। शामली में भी मिले तबलीगी जमात के 3 कोरोना पॉजिटिव, 2 बांग्लादेशी। डुबरी में मस्जिद का इमाम कोरोना पॉजिटिव, 6 लोग मरकज में हुए थे शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मिले 3 कोरोना संक्रमित, मरकज में हुए थे शामिल। आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 18, 6 कोरोना संक्रमित जमाती। गाजियाबाद में 3 नए कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप, इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। यूपी में जमातियों का इलाज नहीं करेगी महिला स्टाफ, अस्पतालों में नर्सों से बदसलूकी के बाद योगी सरकार का फैसला। गाजियाबाद के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए जमातियों के खिलाफ अस्पताल में दर्ज कराया है केस, नर्सों के सामने अश्लील हरकतें करने का आरोप। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों की धरपकड़ जारी, अब तक 13 लोग हुए गिरफ्तार। कोरोना संकट पर लॉकडाउन के बीच सीएम योगी ने रिलीज की ऑनलाइन पेंशन, पेंशन धारकों से की बात। दिल्ली के गांधीनगर में पुलिस कर्मियों की शानदार पहल, करीब 500 लोगों को खिलाया खाना। फतेहपुर में लॉकडाउन के बाद महंगा पड़ा गरीबों को अनाज लेना, कारोबारी और उसके गुर्गों ने जमकर भांजी लाठियां।
बागपत में कोरोना की सूचना को लेकर बवाल, दो गुटों में खूनी झड़प, पत्थरबाजी और मारपीट में 5 लोग घायल। अलीगढ़ से पुलिस का फ्लैग मार्च, लॉकडाउन का सख्ती से पालन को लेकर जागरूकता। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 6 जवानों में कोरोना का संक्रमण, 146 जवानों को किया गया क्वारंटीन। सामने आई दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें, हवाई सेवाएं ठप होने की वजह से रनवे पर खड़े हैं सैकड़ों प्लेन। तेलंगाना के शादनगर में कोरोना वायरस से एक महिला की मौत, मरने के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरने वाली महिला ग्रोसरी शॉप चलाती थी, परिवार से संपर्क में आए गांव के सभी लोगों को किया गया क्वारंटीन। जमशेदपुर का इकलौता ब्लड बैंक ने भी की लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील, लॉकडाउन की वजह से अस्पताल में खत्म हो चुका है ब्लड। मध्य प्रदेश के सीहोर में धर्मगुरुओं ने चलाया जागरूकता अभियान, हाथों में तख्ती लेकर लोगों से घरों में पूजा और नमाज पढ़ने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर राजस्थान के बाड़मेर में बेजुबान जानवरों के लिए शुरू की गई जल भोजनालय। ईरान में कोरोना से 134 लोगों की और गई जान, अब तक कोरोना संक्रमण से 3294 लोग तोड़ चुके हैं दब। इसराइल में भी पांव पसार रहा है कोरोना, अब तक 7000 से ज्यादा लोगों को संक्रमण, 38 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 684 लोगों ने तोड़ा दब। आज चीन में मनाया जाएगा शोक दिवस, कोरोना के शिकार लोगों को पूरे देश में दी जाएगी श्रद्धांजलि। ब्राजील के रियो में अस्पताल में तब्दील किया गया ओलंपिक के लिए बनाया गया स्टेडियम, 1800 लोगों का हो सकता है इलाज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।